और मुंबई में समाज सेवा और राजनीति करने वाले कद्दावर नेता बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 66 वर्ष की अवस्था में कल रात उनकी मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपनी आलीशान जीवन शैली और सितारों से सजी हाई क्लास पार्टियों के लिए जाने जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा के खेड़वाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिसान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। गोली चलाने वाले कार से पहुंचे थे, इसके बाद लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। बाबा सिद्दीकी के सीने पर 2 गोली लगी थी, 1 गोली पैर में भी लगी थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है। बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे। जी हां, बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में पटना में हुआ था। पुस्तैनी घर की बात करें तो वो बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड के शेख टोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था। कुछ साल पहले उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए फेसबुक पर पोस्ट भी किया था। फेसबुक पर बाबा सिद्दीकी ने क्या लिखा था? बाबा सिद्दीकी ने 25 जून 2020 को फेसबुक पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, मेरे पिताजी का जन्म बिहार गोपालगंज मांझा में हुआ था। मुझे मांझा में बचपन की यादें हैं। 83 लोगों के परिवारों के लिए मेरी हार्दिक संवेदना है जो बिजली के वोल्ट के कारण गुजर गए। इन कठिन समय में मैं बिहार के लोगों के लिए दुआ करता हूं। मांझा में पिछली यात्रा से कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं। बाबा सिद्दीकी की नेटवर्थ की बात कर ले तो चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार बाबा सिद्दीकी की 76 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि उनकी वास्तविक संपत्ति के बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन साल 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्ट या ईडी ने सिद्दीकी से जुड़ी 462 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने मुंबई में सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स से लगभग 462 करोड़ रुपए के 33 फ्लैट जब्त किए थे। बांद्रा में झुग्गी पुनर्वास योजना में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसमें नकदी, बैंक जमा और कई कंपनियों में शेयर सहित कई प्रकार की चल संपत्तियों का ऑनरशिप शामिल था। उनके पास महंगी ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां जैसी कई चीजें भी थी। हलफनामे में उनकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज, बेंज कार और सोने और हीरे के ज्वेलरी जैसे वैल्यूएबल एसेट्स का भी कलेक्शन था। ये उनकी समृद्ध जीवन शैली को दर्शाता है। 68 वर्षीय राजनेता बाबा सिद्दीकी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। खास बात यह कि पूर्वी भारत के राज्य बिहार से मीलों दूर मायानगरी में आकर बसने वाले बाबा सिद्दीकी का दशकों बाद भी बिहार से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ था। सितंबर 1956 में जन्म के बाद बाबा ने छात्र जीवन से ही सियासत की शुरुआत कर दी थी। 1977 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI से जुड़े थे। बाद में यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। साल 1992 में वो मुंबई महानगर पालिका के पहली बार काउंसलर चुने गए। 1999 में वो पहली बार बांद्रा वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के MLA बने थे। इसके बाद 2004 और 9 में भी इसी सीट से चुने गए थे। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। लगातार 48 साल तक कांग्रेस में रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP में शामिल होने का फैसला किया था। बांद्रा पश्चिम से विधायक रह चुके बाबा सिद्दीकी सियासत से फुर्सत पाने के बाद बिहार जाते रहते थे। उनसे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा 2 साल पहले ही 2022 में बिहार गए थे। बिहार के गोपालगंज में जन्मे बाबा सिद्दीकी किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ घड़ी रिपेयर करने का काम करते थे। लगभग 5 दशक पहले ही पिता ने जब मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया तो बाबा सिद्दीकी भी परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। बाद में मायानगरी मुंबई के ऐसे इलाके में बाबा सिद्दीकी आकर बस गए जिसे सितारों के जमघट के लिए जाना जाता है। बांद्रा पश्चिम में बॉलीवुड की कई फिल्मी हस्तियों के घर हैं। बाबा सिद्दीकी की शादी सहजीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं और 1 बेटी अर्सिया सिद्दीकी और 1 पुत्र जिसान सिद्दीकी है।
बेटा जिसान सिद्दीकी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी का पुस्तैनी घर मांझा ब्लॉक के सेखटोली गांव में है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल इसी गांव में गुजारे थे। बाबा सिद्दीकी के ममेरे भाई मोहम्मद जलालुद्दीन का परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। बाबा सिद्दीकी ने 26 जून 2020 में एक फेसबुक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने अपने और गोपालगंज के मांझा शहर से रिश्ता बताया था। यादें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता का टेक है यादें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता का जन्म मांझा में हुआ था और मुझे मेरे बचपन की कई यादें इसी शहर से जोड़ती हैं। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हमेशा चर्चा में रहती थी। वे हर साल मुंबई में इफ्तार पार्टी देते थे। उनकी इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड और राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज शामिल होते थे। पिछले साल भी बिहार की राजधानी पटना में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी के जदयू और आरजेडी के दिग्गज नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। यही कारण था कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था कि बाबा सिद्दीकी बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में आयोजित इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। 2022 में राज्यसभा के लिए आरजेडी से बाबा सिद्दीकी को टिकट मिलने की काफी चर्चा भी हुई थी। कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए आए बाबा सिद्दीकी ने खुद बताया था कि वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पिता के नाम पर अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट की शुरुआत की थी। ये ट्रस्ट मांझा ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में 10वीं के टॉपर्स को सम्मानित करता है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, बिहार से ताल्लुक रखने वाले एनसीपी के बड़े लीडरान में शामिल बाबा सिद्दीकी साहब के कत्ल की खबर बेहद गमजदा कर देने वाली है। वो एक जिंदा दिल इंसान थे। पाक परवरदिगार से दरखास्त है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम दे और उनके चाहने वालों को सब्र अता करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लिखा है, महाराष्ट्र के वरीय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का समाचार बेहद दुखद है। परवरदिगार से इल्तिजा है कि मरहूम को जन्नत में आला मकाम दे और परिजनों को सब्र और हिम्मत। महाराष्ट्र में एनडीए शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।